हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही आसानी से छः कली का पेस्ट बनाना लाए हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जो बाज़ार से हमें चौड़ाई में डबल फोल्डेड करा हुआ ही मिला है। ये कॉटन का कपड़ा है और इसी से पेटीकोट बनाते हैं नॉर्मली। ये चौड़ाई में हमारा डबल फोल्डेड ही आता है, तो इस तरह से हमें पूरा का पूरा कपड़ा चौड़ाई में डबल फोल्डेड मिला है। इसे एक बार हम लंबाई में भी डबल फोल्ड कर दे रहे हैं। इस तरह से ये कपड़ा हमारा 4 फोल्डेड हो गया है। हमें यहाँ सिर्फ 2 माप चाहिए होंगी, एक लंबाई की माप और एक कमर की नाप। तो लंबाई हमें यहाँ 37 इंच चाहिए, कमर की नाप हमें 44 इंच चाहिए, जिसमें 4 इंच हम लूजिंग का ऐड करेंगे। ये 4 इंच लूजिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि पेटीकोट एकदम कसा हुआ नहीं पहनते। सबसे पहले ये देखिए 4 फोल्डेड हमारा कपड़ा है, खुली तरफ हमने अपनी तरफ रखी है और जो बंद तरफ है वो दूसरी तरफ। सबसे पहले ऊपर से 2 इंच की पट्टी हम लगाने के लिए, 2 इंच की पट्टी के लिए हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम 2 इंच की पट्टी डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई में कुछ जाएगा, तो 5 इंच पे हम ये मार्क करते हैं। तो ये हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया। अब इसे एक सीधी लाइन से मिला लेंगे और ये कट कर देंगे। इस तरह से हमें 2 पट्टी मिल जाएंगी, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्डेड है। ये दोनों पट्टी हम बाद में नारा बनाने प्लस ऊपर का जो नारा डालने की जगह होती है वो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको 5 इंच की पट्टी को हमने 2 पट्टियाँ जो है इनको अलग करके रख देते हैं। अब बचा हुआ कपड़ा हम लेते हैं। बचा हुआ कपड़ा हम लेंथ के हिसाब से पहले नाप लेते हैं। अगर हमें 37 इंच लेंथ चाहिए, यानी 37 इंच लेंथ चाहिए, तो हम 37 इंच ही लेते हैं, क्योंकि हम नीचे से अगर कपड़ा फोल्ड करेंगे तो ऊपर हमारा नारे वाली पट्टी भी हम ऐड करने वाले हैं 2 इंच की, तो इसलिए ये लगभग बराबर ही हो जाता है। तो हम 37 इंच पे मार्क कर ले रहेंगे और खुली हुई तरफ हमने अपनी तरफ रखी है। देखिए 4 पल्ले हमें अपनी तरफ से दिख रहे हैं और बंद तरफ आपकी तरफ यानी अपोजिट साइड रखी है। अब हमें जो भी हमारे कमर की नाप होती है उसका आधा कर लेते हैं, यानी अगर हमारी 44+2 यानी 48 है, उसको 2 से भाग करेंगे तो 24 इंच आएगा और उसको फिर से हम 4 से भाग करने पे 6 इंच आएगा। जितनी भी आपकी वेस्ट हो उसे इसी हिसाब से डिवाइड करिएगा। हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से भी हम 6 इंच पे ही मार्क कर रहे हैं। आप कोई भी कमर की नाप का बनाने वाले हो पेटीकोट, बस इसी तरह से हिसाब लगा लीजिएगा। तो 6 इंच के जो 2 मार्क मिले उन्हें हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे आपस में, तो हमें एक तिरछी लाइन मिल गई इस तरह से। आप किसी भी नाप की कमर के लिए यही फार्मूला यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आगे और पीछे के 2 पल्ले ये होते हैं, इसलिए हमने पहले 48 को 2 भागों में डिवाइड किया और फिर 4 भागों में किया। तो इस तरह से हमें 2 इधर मिले हैं बड़े पल्ले और 4 पल्ले हमारी तरफ को है। तो हम इसे बीच की जो लाइन हमने तिरछी खींची इसको हम कट कर देंगे। काफ़ी अच्छा घेरदार बनेगा ये पेटीकोट और बड़े साइज़ का पेटीकोट बनने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये 4 पट्टियाँ हो गई ऊपर से जो जुड़ी हैं, तो हम इसे कट कर दे रहे हैं। ऊपर से जुड़ी हुई तो नहीं चाहिए ना, इसी तरह ये भी ऊपर से जुड़ी है तो इसको भी हम ऊपर से कट कर देंगे। ये हो गया। इस तरह से हमें टोटल 6 पट्टियाँ एक तरफ पूरी मिल गई हैं। 4 ये हैं और 2 वो बड़ी वाली हैं। तो हम 2 को हटा दिया हमने और इसमें से भी हमने 1 को हटा दिया। तो इस तरह से देखिए ये एक बड़ी पट्टी है, एक तरफ लगेगी बीचों बीच में, और 2 पट्टियाँ हमने अपने हाथ के नीचे रखी हुई हैं। ये दोनों को इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 पल्ला बनेगा। अभी हमें क्या है, अगर हम इसी तरह से जोड़ देंगे तो थोड़ा सा कान यानी नोक निकली हुई सी आएगी, तो हम इस तरह से इसे डबल फोल्ड करेंगे। हर पट्टी को ऐसे ही करेंगे, डबल फोल्ड किया, देखिए कोना सा निकला आया, इसको हम कट करके निकाल देंगे। बीच की जो हमारी मोटी पट्टी है उसको भी इसी तरह से हम बराबर कर लेंगे, जिससे सिलते में बाद में नोक ना निकले, इसको भी हम कट करेंगे। ये देखिए अब हम 1 पट्टी इधर जोड़ देंगे इस तरह से, और दूसरी पट्टी ये देखिए इस तरह से यहाँ जोड़नी है, और दूसरी पट्टी हम दूसरी साइड में जोड़ देंगे। यानी हमें एक साइड में इस तरह से 3 पट्टी जोड़ना है और 2 साइड हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं, 3-3 पट्टी जोड़ के। अब हमें जोड़ना कैसे, एक पे एक ऐसे रखना है सीधी तरफ अंदर और इसको दोनों जोड़ देनी है पट्टियाँ।
तो हमने ये देखिए इस तरह से पट्टियाँ जोड़ ली है, दो हिस्से आगे और पीछे के रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड वाली सिलाई दोनों हिस्सों की करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेकर ऊपर तक सिलाई कर देंगे, बट एक तरफ हम 3.5 इंच छोड़ कर सिलाई करेंगे। ऊपर से 3.5 इंच छोड़ के निशान लगा दिया हमने, यहाँ तक सिलाई करेंगे। दोनों हमने साइडों में भी दोनों पल्ले जोड़ दिए। ये देखिए एक तरफ हमने 3.5 इंच छोड़ के जोड़ा है। अब ये जो छोड़ के जोड़ा है इसमें हम डबल फोल्ड कर देंगे, ये यहाँ तक और ये दूसरी तरफ भी। ये डबल फोल्ड थोड़ा सा खुला हुआ पेटीकोट होता है, इसलिए ये देखिए यहाँ तक डबल फोल्ड करके सिला, थोड़ा बीच में सिला और फिर दूसरी तरफ भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करी। ये यहाँ पर ऐसे ही पूरे में करेंगे। हमने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया कपड़ा अपना। अब ये जो हमने ऊपर की पट्टी के लिए कपड़ा लिया था, इसको हम दोनों पट्टियों को आपस में एक तरफ से जोड़ देंगे और किसी भी एक तरफ, ये देखिए यहाँ पर हम बीचों बीच में जोड़ देंगे और किसी भी एक तरफ हम अपना कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे एक साइड से। एक पहले तो दोनों पट्टी जोड़ी और फिर एक साइड से डबल फोल्ड। ये पट्टी हमने आपस में जोड़ ली है और एक साइड से डबल फोल्ड कर लिया कपड़ा। अब जिधर से डबल फोल्ड किया है वो कपड़ा हम इधर अपने ऊपर वाले पेटीकोट के ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे और दोनों याद रखेंगे कि पेटीकोट हमारा उल्टा है और पट्टी भी उसके ऊपर हमने उल्टी रखी है, और इसी तरह से पूरी गोलाई में इसे नाप लेंगे और जितना नाप आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कट कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि अब हम दूसरी साइड भी तो डबल फोल्ड करेंगे कपड़ा। एक साइड तो हमने शुरुआत में ही डबल फोल्ड कर लिया तो उसे वहीं से शुरू कर दिया, बट दूसरी साइड में हमने नाप के और फिर कट किया है थोड़ा बड़ा, जिसे हम डबल फोल्ड करने में यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे और चारों ओर हम ऊपर कमर में ये पट्टी जोड़ देंगे उल्टे कपड़े पे। उल्टी हमने एक पट्टी इसमें जोड़ ली है और उल्टे पे हमने उल्टी पट्टी रख के जोड़ी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ करेंगे, देखिए खड़ा कर लेंगे, पट्टी पहले हमने नीचे की तरफ रखी थी तो सिलाई पट्टी में की सिलाई हमें ऊपर दिखेगी, यानी पट्टी हमारी अब उल्टी हमें दिख रही है और कपड़ा सीधा है। तो हम पट्टी को थोड़ा पहले ऊपर मोड़ेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और फिर जो सिलाई है उसे ऊपर करते हुए इसे इस तरह से सिल लेंगे। ये ऐसे यहाँ पर सिलाई ऐसे करना है, थोड़ा पहले पट्टी ऊपर मोड़नी है और उसके बाद दो सिलाई भी दे सकते हैं पूरी गोलाई में ये नीचे की सिलाई को दबाते हुए, और नीचे की तरफ भी हम यूँ कपड़ा डबल फोल्ड करके सिलेंगे। हमने ऊपर पट्टी मोड़ दी है, ये देखिए ऊपर से भी फिनिशिंग अच्छी है और अंदर से भी, और नीचे भी हमने डबल फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये पेटीकोट रेडी है। इसके लिए हमने नारा भी बचे हुए कपड़े में से बना लिया था जो पट्टी काटने पे बचा था। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।